हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है आपके लव रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप में। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसका मतलब आपके हस्बैंड वाइफ, लवर या बिलवेड इस वक्त किसी अदर पर्सन से या अदर सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन हैं, दोनों की ओर से म्यूचुअली रीड करके देख रहे हैं कि इनका सिचुएशंस क्या चल रहा है और क्या ऑब्स्टिकल है दोनों की लाइफ में, थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन, और क्या आउटकम निकलने वाला है। बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के एंड से हो सकती हैं, तभी इस रीडिंग को ट्रस्ट करें। रिलैक्स्ड रहें, कंफर्टेबल रहें, थिंक ऑफ योर पर्सन, उन्हें अपने माइंड में रखें। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज कि आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, अदरवाइज आप मैरिटल कमिटमेंट को लेकर के जानना चाहते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन थर्ड पार्टी के एंड से है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का म्यूचुअल है ये। दोनों की जो विशेज हैं या दोनों में से जो एक की विशेज हैं, नंबर 9, उसमें ऑब्स्टेकल है 7 of Swords। इट मींस दोनों में से कोई एक पर्सन क्लियरली इंटेंड नहीं करते हैं उनकी विशेज को पूरा करने के लिए। दोनों में से कोई एक पर्सन अपने ट्रू इंटेंशंस को छुपाए हुए हैं। किसी तरह की ट्रिकी बिहेवियर दोनों में से कोई एक पर्सन फिलहाल कर रहा है। दोनों अलग अलग कार्ड हैं, ये कप्स का कार्ड है और ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 9 of Cups विशेस के फुलफिलमेंट का होता है, 7 of Swords किसी तरह के ट्रिकी बिहेवियर को शो करता है। तो इस वक्त ये सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच है, दोनों में से कोई एक ट्रिकी बिहेवियर कर रहा है। किसी एक पर्सन ने Ace of Swords डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने का ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, ये सबकॉन्शियस माइंड है उनका। तो जो पर्सन इमोशनल है, दूसरा जो उसके साथ ट्रिकी बिहेवियर कर रहा है, तो इमोशनल पर्सन Ace of Swords एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियसली उनकी लाइफ में द मैजिशियन भी है। इट मीन्स वो अपने डिसीजन को सोच समझ करके ले रहे हैं। मैजिशियन कार्ड मर्क्यूरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे प्लैनेट ऑफ विजडम कहते हैं। तो ये पर्सन जो हैं, जो भी बोल्ड एक्शन लेना चाह रहे हैं अपनी विशेष को लेकर, ये सोच समझ करके एक्ट कर रहे हैं। लास्ट 3 months से द एम्प्रेस इनकी लाइफ में देखी जा सकती है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। द एम्प्रेस जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं, साथ साथ द एम्प्रेस बता रही हैं कि किसी तरह का लेडी फिगर, मदर, सिस्टर, कजिन की ओर से कुछ इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच ऑलरेडी चल रहा है। इमीडिएट फ्यूचर है 6 of Coins, जो बताता है इक्वल गिव एंड टेक। और यहाँ पर कॉइन्स की एनर्जी का इक्वल गिव एंड टेक है, इसका मतलब है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ चीज़ों के हिसाब किताब की सिचुएशन जल्दी ही बनने वाली है। दोनों के बीच 5 months के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर हो सकते हैं। जो पर्सन इमोशनल है, उसे ऑलरेडी एक फियर है
कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता है, एंड इसका जो आउटकम है वो है भी सिक्स ऑफ कप्स, जो कि कप्स की ही एनर्जी है। इट मींस आपके पर्सन, जो भी इमोशनल पर्सन है दोनों में से, वो एक डिसीज़न कप्स को लेकर ही लेंगे। इट मींस किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने आप को देखेंगे जहां इमोशनली फ्रीडम फील करते हैं, म्यूचुअल बॉन्ड जिनके साथ अच्छा फील करते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड रह चुके हैं लाइफ में इमोशनल लेवल पर। नंबर सिक्स है, सिक्स नंबर पास्ट को भी शो करता है, यहाँ भी नंबर सिक्स है। तो पास्ट में अगर आपसे कनेक्टेड रहे हैं आपके पर्सन, तो सिक्स नंबर होता है पास्ट में मॉडिफिकेशन का। आप दोनों के बीच अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस है आपके पर्सन और आपके बीच, वो मॉडिफाइड होगा, उसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा और आपके बीच हारमोनी फ्यूचर में एक साथ है। कुछ समय और आपको स्ट्रेंथ रखना है, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, बट इस रिलेशन में स्ट्रेंथ की बात की जाए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो वहाँ स्ट्रेंथ नहीं है। फाइव ऑफ वेंड्स दिखाता है किसी तरह के आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, थिंकिंग का एक दूसरे से ना मिलना। डेथ कार्ड एंडिंग को दिखाई रहा है इस जगह। लेट्स ट्राई टू क्वालिफाई कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या बताना चाहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंकिंग वुमेन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। जो पर्सन इमोशनल सोच रहा है इस वक्त, वही पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, द थिंकिंग वुमेन। तो इनकी जो इमोशनल थिंकिंग है उसे स्ट्रेंथ मिल रही है और ये पर्सन इन फ्यूचर एक्ट करेंगे थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। आउटकम आया है सिक्स ऑफ कप्स। लेट्स क्वालिफाई व्हाट डज सिक्स ऑफ कप वांट टू से। Door to streets with door to value with contract, number 6 है ये भी, 6 6, और यहाँ पर भी 6 नंबर है। 666 आपके लिए एंजल नंबर है अभी, जिसे आप गूगल पर कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग है, तो उसे आप अपना यूनिवर्सल मैसेज मान सकते हैं। 6 नंबर पास्ट में मॉडिफिकेशन का ही नंबर है। अगर आप और आपके पर्सन के बीच किसी तरह का कुछ डिस्टर्बेंस रहा है वो मॉडिफाइड होगा। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बात की जाए तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है इक्वल गिव एंड टेक इनका प्रैक्टिकल लेवल पर होना है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, उसके बाद ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है और आउटकम निकल रहा है डोर टू स्प्रिट्स, सिक्स ऑफ कप्स, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू वैल्यू। आपके बीच अगर किसी तरह के वैल्यू बेस्ड इश्यूज रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, वो सॉर्ट आउट होंगे। इमोशनल लेवल पर डोर टू स्प्रिट्स बता रही हैं कि ये भी सॉर्ट आउट होंगे। सिक्स नंबर कॉन्ट्रैक्ट का है, किसी तरह से आपको लगता है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था आपके पर्सन ने, तो वो भी होगा। दिस इज ऑल गुड। आप एंजल से एक क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट योरसेल्फ, जैसा चाहें। इसे एंजल्स का आंसर, प्रेडिक्शन या गाइडेंस समझ सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग आने पर सब कुछ ठीक होगा। यहाँ नो का आंसर भी है। नो का आंसर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के लिए ही है, रिलेशनशिप उनका एंड होना ही होना है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर सब चीज़ें ठीक होंगी। यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।